एक्टर अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर थैंक गॉड का ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया, जहां लोगों ने इसे खूब पसंद किया। वही ट्रोल आर्मी यह कहते हुए ट्विटर पर बायकॉट थैंक गॉड ट्रेड करना शुरू कर दिया कि इसमें भगवान को अपमान किया गया। इसी बीच अब अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा समेत फिल्म के डायरेक्टर इंद्र कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इन तीनों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के कारण केस दर्ज किया गया है। वकील हिमांशु श्रीवास्तव ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर की एक कोर्ट में अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और इंद्र कुमार के खिलाफ केस दर्ज करवाया। इस मामले में हिमांशु श्रीवास्तव का बयान 18 नवंबर को रिकॉर्ड किया जाएगा। दरअसल थैंक्स गॉड में अजय देवगन चित्रगुप्त बने जो पाप और पुण्य का हिसाब करते हैं। ट्रेलर में उन्हें बेहद छोटे या बेहद कम कपड़ों में दिखाया गया। इसी पे लोग सोशल मीडिया पर भड़क गए और कहने लगे कि ट्रेलर में भगवान का अपमान किया गया। वकील हिमांशु श्रीवास्तव ने इसी संबंध में मेकर्स और एक्टर्स के खिलाफ केस दर्ज कराया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दायर की याचिका में कहा कि अजय देवगन चित्रगुप्त बने एक सीन में वह जोक क्रैक कर रहे थे और आपत्तिजनक भाषा का उपयोग कर रहे थे। आपको न्यूज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।